आम आदमी पार्टी का भी श्राद्ध आ गया छोड़कर। कैलाश गहलोत का जाना आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका। दिल्ली में दाल गलने वाली नहीं है आपकी। कुलदीप जी आप तो कहीं पर है नहीं अब। अरे ठीक है आप ऐसे गिरेंगे जैसे 90 डिग्री में गिरते हैं। पिताजी अस्पताल में जाएंगे। देखिए और पिताजी हमने सबको सुना शांत कराइए। जी जी आप बोलिए। देखिए अर्पिता जी क्या अजीब विडंबना है जो जो किसी समय लोकसभा के चुनाव पे रामलीला के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे थे तो भ्रष्टाचार बचाओ का एक अभियान था। आज देखिए टीवी चैनल पर ही किस प्रकार से अलग अलग है। तो मतलब ये स्वार्थ की जो राजनीति है अवसरवादिता की राजनीति हरिशंकर जी प्लीज अपने बारे में सर ठीक है उसको स्पष्ट रूप से दिखता है। और अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी आरोप लगा रहे थे। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा, जो चिट्ठी लिखी गई है आपके खिलाफ या जो छोड़ने के लिए लिखी गई है उन पर लिखे गए कृत्यों से खुद पूछ लो कि जिन मूल्यों को लेकर पार्टी चली थी आज उनके सामने चुनौतियां हैं। वो चर्चा कर रहे हैं शीश महल की, वो चर्चा कर रहे हैं हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी की, वो चर्चा कर रहे हैं यमुना के स्वच्छता को लेके। तो अर्पिता जी मैं पूछना चाहता हूं कि 8600 करोड़ रुपए का बजट आया था प्रदूषण को दूर करने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए, कितने स्मार्ट टावर लगे? भ्रष्टाचार मतलब ये तो बिल्कुल 3G की सरकार चल रही, घोटाला घूसखोरी घपलेबाजी, मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। 2875 रुपए का शराब का घोटाला, 78,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का, 1,000 करोड़ का नकली दवाई का, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1,000 करोड़ का बस जो है खरीदने का घोटाला, 125 करोड़ का ये जो शीश महल की चर्चा चल रही है। अभी तो केवल एक की जांच हुई है, 7 तो बाकी है। लेकिन थोड़ा तथ्यों पर बात करिए। और मैं तो ये कहता हूं अर्पिता जी आज आपके माध्यम से ये जनता दिल्ली की जान ले कि दिल्ली में क्या काम कराए गए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के काम आपको गिनवाने जा रहा हूं। नया संसद बना, प्रगति मैदान में भारत मंडपम बना, द्वारका शो हुआ, आरएमएल में राम मोहन लोहिया में वो अटल जी को लेके जो है वो जो है एक जो है कैंपस बना, राष्ट्रीय समर स्मारक बना, गोविंदपुर में 3,000 बस्तियों का जो है लोगों का बहुमंजिला फ्लैट बना, जेलर वाला बाग में 1700 का बहुमंजिला का फ्लैट बना, मनेसर पर्वत गाजियाबाद अक्षरधाम होते हुए देहरादून तक होते हुए देश का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे बना। एक काम गिनाइए आप। और अभी यहाँ शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं एक बात कह दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज की सैलरी नहीं दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है कुलदीप जी, मुकदमाबाजी होता है, न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है, सोचिए 12 कॉलेज। हरिशंकर जी प्लीज अपनी बारे में बोलिए सर, रुक जाइए। अर्पिता जी बहुत गंभीर मुद्दा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज आज वहाँ पर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया रुकी हुई है, उनकी तनख्वाह नहीं रिलीज होती है, आज से नहीं, ये कई दिनों से चल रहा है, बार बार न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है, झूठा इंटरवीन करती है। शिक्षा की बात जो आपने जो है दिल्ली में खोला हो, आज पानी पीने को नहीं है, 90% क्लस्टर में अर्पिता जी पानी पीने को जो है जनता जो है विशाल जी जो है मोहताज है। जरा बाहर निकल के देखिए क्या प्रदूषण का जो है चक्र बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी वाह गजब का खेला चल रहा है भाई यहाँ। क्योंकि देखिए अब सवाल इसलिए भी है क्योंकि हर बार अगर बीजेपी को ही खोलेंगे, क्योंकि आपके सर मंत्री हो, सर आपके वो मंत्री और मंत्री जब इस्तीफा दे रहा है तो बकायदा वो गिना रहा है कि देखिए कोई काम ही नहीं हुए, जिस मूल्य के साथ हमने पार्टी के साथ जुड़े और शुरू किया वो मूल्य नहीं बचे, यमुना सफाई घर को लेकर घोटाला, कई चीजों का जिक्र हुआ। विशाल जी रिलीज की जाती है, और कुछ है आपके पास बोलने के लिए? ठीक है तथ्यों पर बात करिए, गिना तो दिया मैंने। अरे विशाल जी रुक जाइए ना, इतनी क्या नाराजगी सर, जवाब तो लेंगे ना विशाल जी प्लीज, आप बोल रहे हैं सब बोलते रहेंगे सर, फिर ऐसे नहीं चलेगा ना सर भाई, प्लीज। कुलदीप जी देखिए मेरा देखिए ये इनको टैब रिकॉर्डर लगा के भेज दिया, मुझे नहीं पता क्यों, मैं देख नहीं पा रहा हूँ टीवी पे कि ये कौन से, मुझे लग रहा है बीजेपी के दो प्रवक्ता है, तो प्रदीप भंडारी जी अभी यहाँ बैठे थे, दूसरे कौन है मुझे इनका आइडिया नहीं था अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आज दिल्ली के अंदर जो काम पिछले 10 में केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं, इन्होंने भी कहा कि बारिश आती लाइट चली जाती, मैं आपको दावे से कह रहा हूं,
दिल्ली इस देश के अंदर पहला ऐसा इकलौता शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अगर 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा उसके बाद भी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। और दिल्ली वाले अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर आने का काम होता है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करने का काम किया। दिल्ली के हर मोहल्ला क्लिनिक में 150 से 200 लोग जाकर प्रतिदिन अपना इलाज कराते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं। इन्होंने खूब रोकने की कोशिश करी लेकिन दिल्ली के ये मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को रोक नहीं पाए। दिल्ली की डीटीसी बसों की मैं ये बात कर रहे थे, दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर हमारी महिलाएं बड़े सम्मान के साथ जाती हैं कि उनके भाई उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए बस का किराया फ्री किया हुआ है। इनको एक बात याद होगी, गली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को धरने में बैठना पड़ा पूरी कैबिनेट के साथ एलजी हाउस में जाके, लेकिन दिल्ली वालों के काम रुकने दिए हम लोगों ने। दिल्ली के लोगों के अंदर कॉलोनी में चाहे पानी की पाइपलाइन बिछाना हो चाहे सीवर की लाइन बिछाना हो, दिल्ली के लोगों के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है वो मैं दावे से कहता हूं कोई कर नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह बौखलाई हुई है, इन्होंने काम नहीं गिना पा रहे दिल्ली के अंदर। मैं कह रहा हूं आप पे इतने मौके दिल्ली के अंदर थे, आपके पास इतना फंड दिल्ली के अंदर था, क्या काम दिल्ली के अंदर आपने किया? 18 साल तक आप दिल्ली के नगर निगम में रहे, आपने क्या काम किया सरकार के अलावा? आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो नगर निगम में काम करने का काम कर रही है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कुलदीप जी ठीक है, काम रोको राजनीति करने का काम करते हैं लोग, दिल्ली के लोग आपसे दुखी हो चुके हैं। जनता लिख रही है और ये स्पष्ट हो चुका है, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सातों की सातों सीट पे कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, सातों सीट पे हारे। हरियाणा में जनता को बोला था अगर भ्रष्टाचारी है तो वोट मत देना, वोट मत देना, भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो वोट देना। हरियाणा में 90% से सीट पे जमानत जब्त हुई, हरियाणा की जनता मानती है भ्रष्टाचारी है। आज कैलाश गहलोत ने इसीलिए रिजाइन किया जो अन्ना हजारे ने बोला था कि 40 करोड़ का शीश महल, खुद के लिए 15 एयर प्यूरिफायर और यमुना पे 25 वादा किया, अभी तक यमुना पे इन्होंने डुबकी नहीं लगाई, झूठ बोलते हर चीज का इनका प्रूफ करूंगा। बोला वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 65,000 फेक पेशेंट रजिस्टर हुए। बोला फ्री वाटर सप्लाई देंगे, स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि वाटर सप्लाई पूरी तरीके से दिल्ली नहीं मारी। कहा था फ्री बिजली देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कई इलाकों के अंदर 40% से बढ़ा दिए। बोला था वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, 2/3 स्कूल के अंदर 11वीं 12वीं के अंदर क्लासेस के अंदर साइंस और मैथ्स की किताबें नहीं है। कहा था सोशल वेलफेयर करेंगे, आशा किरण के अंदर किस तरीके से बच्चों की मृत्यु हुई इनकी लापरवाही की वजह से। और ये इतने बड़े डिक्टेटर है कि 2021 के अंदर संविधान बदल देते हैं जिससे कि यही सिर्फ चीफ बने रहेंगे, जिससे कि कोई भी आम आदमी पार्टी का व्यक्ति दलित हो, ओबीसी हो, वो काबिल हो और वो कुछ सक्षम करना चाहता है तो अरविंद केजरीवाल के आगे आवाज नहीं उठा सकता। इसीलिए कैलाश गहलोत एक ओबीसी का अपमान किया गया है, पहले दलितों का अपमान किया गया था और हर दलित कोई भाजपा नहीं ज्वाइन किया है, इसमें से किसी ने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया है, तो यह भाजपा की स्क्रिप्ट नहीं है अर्पिता जी, ये जनता की स्क्रिप्ट है जो समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जो 40 करोड़ के शीश महल में रहते हैं और जनता का अभी तक पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकाला। ओपन चैलेंज देता हूं, 2BHK फ्लैट में रहने का वादा कर रहे थे, 15 दिन झुग्गी में रहकर दिखाए, समझ में आ जाएगा दिल्ली की क्या स्थिति है संगम बिहार के अंदर, झूठ बोलते हैं कुलदीप जी। आ रही हूं हरिशंकर जी, आ रही हूं, सुनिए मैं बता दूं, आप अरविंद केजरीवाल के बारे में जानते नहीं हो, फिर अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जानते नहीं हो, अपनी नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी 10 साल तक दिल्ली की ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद तो 40 करोड़ का शीश महल बना दिया ना कुलदीप भाई, आपको पता होगा कोविड काल के बीच में नियम और कानून की बात करी, अरविंद केजरीवाल ने नया अरविंद केजरीवाल है, अरे लात मार दी उस घर को, कहा मारी, एक और लात दी जेल पाओगे उसके अंदर, मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, मैं चैलेंज देता हूँ 15 दिन संगम बिहार की झुग्गी में प्रदीप भंडारी उसमें बैठने के लिए, समझ पहले 15 दिन संगम बिहार की झुग्गी में रहो, आपके घर में तो 40 एयर प्यूरिफायर है, वो दिल्ली की जनता का क्या जो पॉल्यूशन के अंदर AQI लेवल डेंजरस है, क्या बोला कुलदीप भाई, अपने दिल से पूछो, मुझे पता आपके घर में कितने एसी लगे हुए, मुझे ये भी पता नहीं, मेरे घर में एक एसी लगा, आपके घर के एसी बताइए, 40 एसी नहीं लगा, आपके घर में कौन सी मोटर की मुझे वो भी पता है, आप कितने आज मैं आपको ओपन एड्रेस दे दिया हूं, आ जाइए ये भी पता छोड़ दीजिए, आइए मेरे घर में एक एसी, आइए ना आप अपने शीशे के अंदर दिखाइएगा, मैं रहता हूं मेरा के दिखाओ, जिस बस्ती में मैं रहता हूं मेरा के दिखाओ, कुलदीप भाई अरविंद केजरीवाल जी को कहिए जहां आप रहते हैं मेरा के दिखाओ, आपको आइए कुलदीप भाई, अगर मैं नहीं जहां आप रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कहिए कि यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगाई आपने, नियम की बात करी, पूर्वांचलियों का अपमान करा जो यमुना के अंदर हर चलाना चाहते थे, आपने यमुना मैली रखी, कुलदीप भाई कहां गई आपकी संवेदना, हम नेता बाद में इंसान पहले, इंसानियत कुलदीप जी, बीजेपी के लोग और नियम की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी कैसे अरविंद केजरीवाल जी कहा पूर्वांचल अगर दिल्ली के अस्पताल में फ्री बिजली कराते प्रधानमंत्री दिल्ली का नुकसान होता है, इस्तीफा देंगे अपने पद से, ये लेटर पढ़िए, देश हर व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल का करीबी है उनको ये बता रहा है कि आंखें खोलिए, भ्रष्टाचार बंद करिए, दिल्ली की सेवा करिए, देश जानना चाहता है क्या 75 वर्ष का नियम
प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर लागू करेंगे बताइए प्रदीप पटारी जी, कहां की चर्चा चल रही है? एक सेकंड, प्रदीप जी और प्रदीप जी रुकिए, बताइए एक सेकंड, आपने नियम और आपने संविधान की बात, आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने नियम बनाया था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद मैं इस्तीफा दूंगा, हर कोई इस्तीफा राज्य छोड़ेगा, क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे बताइए? अच्छा एक बात बताइए कुलदीप जी, आपके मंत्री अरे उन्हें नहीं बचाया, देखिए दिल्ली ला रही हूँ मैं आपको, हम मुद्दे से मत भटके ना, जिस मुद्दे पर बात हो रही, विषय पर बात हो रही, उस पर बात करें, जवाब तो होना, नहीं नहीं आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ इन्होंने नियम की बात करी पार्टी के, हाँ। पार्टी के नियम जरा एक बार वो चिट्ठी बम दिखा दो, इन्होंने हरे नेता को बाहर कर दिया, कुलदीप जोशी को, आडवाणी जी को, क्या वो नियम प्रधानमंत्री पे लागू होगा? क्या वो नियम प्रधानमंत्री पे लागू होगा? अर्पिता जो ये देखिए सर, एक सेकंड, इन्होंने कहा शीशमहल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हुए, केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार, ये पॉइंटर्स हैं जिस पॉइंटर्स के साथ उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है, केंद्र से लड़ाई में दिल्ली का विकास नहीं हो सकता, कि शीशमहल जैसी कोई चीज नहीं है, वो कह रहे वादा करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो रहा, सर एक सुनिए तो, अरे सर एक मंत्री इस्तीफा दे दे उसके बाद इस तरह से एक एक पॉइंट लिख दे कि यमुना की सफाई नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही, केंद्र के साथ समय ज्यादा हो रहा है, और जो मूलभूत पार्टी थी जिस तरह की उससे हम भटक गए हैं, ये बड़े आरोप लगाकर गए हैं सर, इसमें सिर्फ दूसरों पर आरोप लगा के कि बीजेपी के स्क्रिप्ट है, आप बच नहीं पाएंगे ना सर, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं अर्पिता जी, हरिशंकर जी, अर्पिता जी आप मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो रातों रात ईडी और सीबीआई वाले सरकार बदलवा देते हैं, यहाँ तो रातों रात सरकार चेंज करवा देते हैं, रातों रात बड़े बड़े मंत्री भैया मेरी पार्टी छोड़ देते हैं, पूरी पार्टी बताओ अरविंद इन लोगों ने बताइए, पूरी पूरी पार्टी तोड़ देती है, आप एक बात बताओ, जैसा आपने कहा एक दबाव बनाया जा रहा है, ईडी जांच एजेंसियां दबाव बना रही है, मैं मान भी लेती हूँ आपकी बात, अरविंद केजरीवाल इतने दिन जेल में रहकर आए, आपके तो सारे योद्धा जुझारू है ना, आप तो ये क्लेम करते थे, अरविंद केजरीवाल टिके हुए, मनीष सिसोदिया टिके हुए, संजय सिंह टिके हुए हैं, तो कैलाश गहलोत कैसे हट गए? वो भी तो पार्टी के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इतने विभिन्न जो भारतीय जनता पार्टी की हनुमान सम कहा जाता जो मोदी जी की नहीं, जो जो मोदी जी की ईडी और सीबीआई की तानाशाही के आगे लड़ेगा, जो मजबूती से खड़ा होगा, वो निश्चित रूप से इस लड़ाई में देशभक्त कहलाएगा, कुछ भी बोलते जाएंगे, ईडी और सीबीआई से कुलदीप जी, उन्होंने यात्रा कर रहे हैं, दिक्कत है कुलदीप जी, जब इन्होंने अशोक चौहान को शामिल करा लिया, कैलाश गहलोत के ऊपर ट्रांसपोर्ट घोटाले पर भी उनके लेकर चर्चा हुई, ईडी की भी छापेमारी भी हुई, जब हुआ तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जब सब समेटा हुआ नजर आ रहा है तब वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी अभी मैं आ रही हूँ हरिशंकर जी, आ रही हूँ, वो आरोप सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे अर्पिता जी, वो सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के थे, ईडी की जांच भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी, आईटी की जांच भारतीय जनता पार्टी लगवा रही थी, ईडी बुला रही थी, तो अब ये जब वो छोड़ी हुए कोई भी जांच, वो भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है, सीधी सी बात है, छोड़िए कैलाश गहलोत, जब वो भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग मशीन में आए गए, तब मैं पूछूंगा कि जो आरोप लगाए गए थे क्या वो झूठे थे या सच्चे थे, पहले तो स्पष्ट, तब मैं पूछूंगा, तब मैं प्रदीप भंडारी से पूछूंगा, हरिशंकर जी आप बोलिए पहले, पूछूंगा कि जो आरोप लगातार बोल रहे हैं, जांच की जा रही है, हरिशंकर जी वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से धुल जाएंगे, दोनों पार्टी के लोग बीजेपी और आप पार्टी के आदमी झूठ पर झूठ लगातार बोले जा रहे हैं, जो काम इनको सपनों में नहीं कभी किया उसके बारे में कह रहे हैं, अभी विशाल मिश्रा ने कह दिया कि जहां झुग्गी वही मकान के तहत जिला वाला भाग के अंदर फ्लैट मोदी जी ने बनाए हैं, विशाल मिश्रा जी कम से कम झूठ तो मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाया गया, जिला वाला भाग और ये जो स्कीम थी जहां झुग्गी वही मकान, ये कांग्रेस की देन है, और मैं वहां विधायक था, मैंने इसका उद्घाटन करवाया, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? दूसरा ये है कि कुलदीप ने कहा कि 24 घंटा बिजली पूरे देश के अंदर सिर्फ जो है आप पार्टी ने दी है, अरे भाई कांग्रेस ने दिया जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, बिल्कुल बिजली कंपनियों का, उस समय कांग्रेस ने दिल्ली में 24 घंटा दिया, आपने क्या किया? ठीक है कुलदीप जी, एक करके बोलेंगे सर, एक एक करके, मोहल्ला की बात, ठीक है, नहीं एक करके, विशाल जी रुकिए रुकिए रुकिए, मोहल्ला की बात, एक एक करके सर, एक एक, कोई नहीं बोल पाएगा, आप सब चिल्ला करेंगे, कोई नहीं बोल पाएगा, हरिशंकर जी ठीक है सर, मोहल्ला क्लिनिक गुप्ता जी, बदमाशों का शराबियों का अड्डा बता दूं, ठीक है सर, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा, कुलदीप जी हरिशंकर जी जीरो बिजली भी लाता है।